हेलो स्टूडेंट, आज के सेगमेंट में बेटा हम डायलिसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डायलिसिस क्या होती है, किन पेशेंट के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और कितने टाइप की है। कल के सेगमेंट में बेटा हमने डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में समझा था और हमने लास्ट डिसऑर्डर पढ़ा था रीनल फेलियर, कि यदि किसी की किडनी फेल हो जाती है, डेली यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाता है अप टू 50 ml पर डे और लेस देन 50 ml पर डे, दैट पर्सन इज सफर फ्रॉम यूरीमिया, हाई यूरिया लेवल, तो उनकी ट्रीटमेंट में एक टेक्निक यूज होती है जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं, जिनको आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, विच इज सेड टू बी आर्टिफिशियल किडनी मशीन और हीमोडायलिसिस। क्लियर? तो यदि मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं कि यदि पर्सन रीनल फेलियर से सफर कर रहा है तो उसको क्या क्या इश्यू आएंगे। सबसे पहला यदि मैं इशू की बात करूं, स्पेशल नोट, देन वी मूव्ड ओवर हीमोडायलिसिस। तो स्पेशल नोट डाल के यहां पे लिख लें कि इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रीनल फेलियर तो उसको क्या क्या इशू आएंगे। बेटा क्या क्या इशू आएंगे, तो सबसे पहला इशू आएगा सफरिंग फ्रॉम यूरीमिया, इंक्रीज यूरिया लेवल, विच इज इमिडिएटली नीड टू बी एलिमिनेटेड वाया हीमोडायलिसिस। कैसे होता है वो सब कुछ डिटेल में समझेंगे। इंक्रीज यूरिया लेवल इन ब्लड। सेकेंड बेटा, यदि किडनी फेल हो गई है तो इट इंटरफेयर इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, एंड कैल्शियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली इट लीड टू बोन सॉफ्टनिंग। तो सेकेंड इश्यू आएगा बोन सॉफ्टनिंग विच इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोमलेशिया। क्योंकि किडनी डैमेज हो गई है तो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन भी सिक्रीट नहीं होगा एंड इट लीड टू एनीमिक कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन क्या आ सकती है, एनीमिया हो सकता है ड्यू टू निल सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। हमने पढ़ा था कि किडनी एंडोक्राइन रोल भी प्ले करती है, इट ऑल्सो सिक्रीट एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, किडनी काम नहीं कर रही तो ऑस्मोरेगुलेशन भी मेंटेन नहीं होगी, तो इट लीड टू इडेमा, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक डिस्कवर हुई थी जिसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस, हीमोडायलिसिस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल किडनी मशीन। कि जब तक कोई प्रॉपर डोनर किडनी नहीं मिलती तब तक उसके ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ब्लड से यूरिया और नाइट्रोजिनस वेस्ट एलिमिनेट कराया जाता है, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी मशीन। येट इट नॉट रिजॉल्व ऑल इश्यूज, ये मेनली किसको दूर करने के लिए या किसको एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाएगा, यूरीमिया। तो आर्टिफिशियल किडनी मशीन इज फ्रीक्वेंटली यूज टू ट्रीट यूरीमिया। अब जो यूरीमिया कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम यूरिया का लेवल किडनी के डिसफंक्शनिंग से अराइज हो, समटाइम ड्यू टू हैवी और हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन इन डाइट इट ऑल्सो इंक्रीज यूरिया इन योर ब्लड। तो यूरीमिया कंडीशन ऑलवेज नॉट डेजिग्नेट रीनल फेलियर, समटाइम इट अराइज ड्यू टू प्रोटीन माल फंक्शनिंग या हैवी इनटेक ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट, हाई डोज ऑफ प्रोटीन इन डाइट इट ऑल्सो लीड टू यूरीमिया। क्लियर? तो इट इज यूज टू ट्रीट यूरीमिया एंड इट इज बेस्ड ओवर द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। के ऊपर हम इसको समझेंगे बेटा। नाउ कम ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ हीमोडायलिसिस मशीन, कि क्या सेटअप यूज होता है बेटा डायलिसिस में। यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक टैंक है जिसको डायलिसिट इज अ टैंक वेयर डायलिसिट सॉल्यूशन आर यूज्ड फॉर हीमोडायलिसिस। तो दिस इज डायलिसिट टैंक और हीमोडायलिसिट टैंक। यहाँ से बेटा डायलिसिट सॉल्यूशन डाला जाता है द सॉल्यूशन यूज्ड इन हीमोडायलिसिस एंड इट्स कंसंट्रेशन, जो PYQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेट में भी आता है। तो डायलिसिट सॉल्यूशन इट्स कंसंट्रेशन इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा बट लैकिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट
इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लें बेटा कि होता क्या है इस मशीन में। तो ह्यूमन के रेडियल आर्टरी से या किसी भी आर्टरी से, जो आर्टरी सुपरफिशियल है, वहाँ से ब्लड को निकाला जाता है। द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम यूरेमिया, तो ब्लड इज रिकवर्ड फ्रॉम आर्टरी, और यू कैन कॉल यूरिया रिच ब्लड इज रिकवर्ड फ्रॉम आर्टरी, फ्रॉम आर्टरी यू कैन कॉल से रेडियल आर्टरी, से रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से ब्लड को रिकवर कराया जाता है, जिसके अंदर यू कैन कॉल द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम यूरेमिया, तो उसके ब्लड में यूरिया लेवल क्या है बेटा, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी किडनी फेल हो चुकी है, तो उसको फिल्टर करना है हमें, तो यहाँ से ब्लड को निकाला जाता है। एंड ब्लड इज पासस अक्रॉस पंप, किससे पास किया जाता है, पंप के थ्रू पास किया जाता है, टू मेंटेन अ स्पेसिफिक प्रेशर, एक स्पेसिफिक प्रेशर पे ब्लड को लाया जाता है, एक प्रेशर मतलब बहुत हाई नहीं बहुत लो नहीं, एक प्रेशर के ऊपर ब्लड को डाला जाता है डायलिसिस मशीन में। यहाँ पे बेटा ऐड किया जाता है उसमें, क्योंकि ब्लड बॉडी के बाहर आते क्लॉट हो जाएगा, तो हैंस टू मेंटेन और टू कीप द ब्लड इन फ्लूड स्टेट, यहाँ पे एंटी कोएगुलेंट ऐड किया जाता है, एंटी कोएगुलेंट, एंड द मोस्ट कॉमन एंटी कोएगुलेंट इज हेपरिन। अगेन दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, to kept blood in fluid state, which kept blood in fluid state, in fluid state, clear? तो blood कहाँ से निकाला जा रहा है बेटा, radial artery से, और उसको एक particular pump के through pass out किया जा रहा है to maintain proper flow or to maintain proper pressure, maintain proper pressure. After passing through pump, meanwhile anticoagulant that is heparin is added to restore the fluid state of blood, ताकि उसमें clot ना हो जाए, and then the blood is passed across a horizontal or vertical tubes. These tube may be horizontal, may be vertical, कैसी भी हो सकती है, and these tubes are made up of cellophane membrane. These are cellophane tube, which is semi-permeable in nature. सेमी परमिएबल इन नेचर, सेलोफेन ट्यूब इज कॉमनली यूज इन हीमोडायलिसिस मशीन। डायलिसिस टैंक में दिस इज द इनलेट पोर्ट, जहां से डायलिसिस सॉल्यूशन डाला जाता है, फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन आर इंट्रोड्यूस इनसाइड द डायलिसिस मशीन और डायलिसिस टैंक। इट्स कंपोजिशन इज प्रीटी मच सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, बट लैकिंग यूरिया और एनी नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक क्रिटाइन और ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो जब ब्लड इसमें से पास हो रहा है बेटा, उसके अंदर यूरिया का लेवल बहुत हाई है। एज ब्लड मूव अक्रॉस दिस ट्यूब्स, वर्टिकल ट्यूब्स मेड अप ऑफ सेलोफेन मेम्ब्रेन, हियर सब्सटेंस डिफ्यूजेस अक्रॉस सेलोफेन मेम्ब्रेन। ये जो यूरिया है, क्रिटाइन है, यूरिया है, ये सारा का सारा जो वेस्ट है बेटा, इट स्टार्ट कलेक्टिंग इनसाइड द डायलिसिस सॉल्यूशन। इस डायलिसिस सॉल्यूशन में ये नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट होता जाएगा, डिफ्यूज हो के ब्लड से कहाँ आता जा रहा है बेटा, डायलिसिस सॉल्यूशन में। एंड दिस सॉल्यूशन बिकम रिच इन नाइट्रोजनस वेस्ट विच आर एग्जिट अक्रॉस और रिकवर्ड अक्रॉस आउटलेट पोर्ट। दिस इज आउटलेट, दिस वन इज इनलेट, जहाँ से फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन डाला जाता है, और आउटलेट पोर्ट जहाँ से डायलिसिस सॉल्यूशन रिकवर्ड रिच इन नाइट्रोजिनस वेस्ट। क्लियर? नाउ दिस प्यूरिफाइड ब्लड, जो प्यूरिफाई हो चुका है ब्लड, यू कैन कॉल यूरिया फ्री ब्लड है, अगेन ट्रांसफर्ड अक्रॉस अ पंप। अगेन किसके अक्रॉस ट्रांसफ़र किया जा रहा है, पंप के अक्रॉस ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और उसके अंदर क्लॉटिंग को रिस्टोर करने के लिए एंटी हेपरिन ऐड की जा रही है, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल कंडीशन में देखा था आपने कि हेपरिन ऐड किया था जो ब्लड को फ्लूड स्टेट में रखता है। अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, एंटी हेपरिन टू रिस्टोर क्लॉटिंग टेंडेंसी। एंड देन ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड इंट्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी अक्रॉस वेन।
इंट्रोड्यूस फ्रेश ब्लड और यू कैन कॉल यूरिया फ्री ब्लड, री इंट्रोड्यूस्ड इन वेन। तो आपकी बॉडी में आर्टरी से ब्लड को निकाला जाता है, यूरिया रिच ब्लड को, आफ्टर फिल्ट्रेशन इट अगेन री इंट्रोड्यूस इनसाइड और द बॉडी और द बॉडी ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम यूरेमिया। तो इसमें तीन चार चीज़ें आपको याद रखनी है बेटा। एक तो डायलेसेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, इट्स कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा, इट्स कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा बट लैक नाइट्रोजिनस वेस्ट। सेकेंड, इसमें पूछा जाता है कि जो ट्यूब्स होती हैं जिसके क्रॉस डिफ्यूज़न हो रहा है वेस्ट का, वो किसकी बनी होती है, सेलोफेन मेम्ब्रेन की ट्यूब होती है विच इज सेमी परमेबल इन नेचर। सेकेंड, पंप जो प्रॉपर प्रेशर और प्रॉपर फ्लो को मेंटेन करता है और टेम्परेचर इज ब्रिंग अप टू 0 degrees Celsius, क्लियर। और फिर से जब हम ब्लड को रीइंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी में आफ्टर फिल्ट्रेशन आफ्टर डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, ब्लड इज रीस्टोर्ड एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कभी भी 0 degree टेम्परेचर पे नहीं डाला जाता। तो ऑलवेज बॉडी टेम्परेचर पे ब्लड को लाया जाता है एंड देन रीइंट्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। एक कंप्लीट प्रोसेस जिसमें ब्लड को फिल्टर कर लिया गया है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर दिया गया है, इट विल रिक्वायर अप्रॉक्सीमेट 4 to 6 hours। ये जो ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन रिक्वायर्ड इन ट्रेडिशनल हीमोडायलिसिस इज 4 to 6 hours एंड इट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एंड इट इज कॉम्परेटिवली एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव इन नेचर, एक्सपेंसिव है लेकिन क्लियरली आपके ब्लड को प्योर करता है, यूरिया को रिमूव करता है। बट रिसेंटली और फ्रिक्वेंटली नाउअडेज अ स्पेशलाइज्ड हीमोडायलिसिस इज यूज्ड विच इज नॉन एज CAPD, कॉन्टिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। यस बेटा, हीमोडायलिसिस में आपने देखा कि हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है, इमरजेंसी सर्विसेज की नीड होती है, 4 to 6 hours हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड। हैंस टू रिजॉल्व ऑल दीज इशू नाउअडेज अ स्पेशलाइज्ड हीमोडायलिसिस इज यूज नॉन एज CAPD, कॉन्टिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जहाँ पे हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के क्रॉस डायलिसिस कराते हैं। इसके अंदर एक प्लास्टिक की ट्यूब विच इज नॉन एज कैथेटर सर्जिकली इम्प्लांटेड इनसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ से नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिकवर कराया जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि इस टेक्निक में होता क्या है बेटा, तो ध्यान से समझें। कॉन्टिन्यूसली एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, एम्बुलेटरी का मतलब जिसमें पर्सन चल फिर रहा है, घूम फिर रहा है, रूटीन वर्क कर रहा है और उसकी डायलिसिस भी चल रही है। तो इसमें होता क्या है बेटा, थोड़ा सा आप लिखें कि सर्जिकली अ कैथेटर इज अ प्लास्टिक ट्यूब, कैथेटर इज इम्प्लांटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। होता क्या है, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझें कि सपोज दिस इज योर एब्डोमिनल एरिया, ये स्किन है, दिस इज स्किन एंड दिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो मेम्ब्रेन है बेटा, इनसाइड जो मेम्ब्रेन है विच इज नोन एज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन, यहां पे ये कंप्लीट बेटा मसल्स हैं, दिस इज योर एब्डोमिनल एरिया और यहीं पे मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं समझ ले इसको, ये स्किन है आपकी, स्किन ऑफ एब्डोमिनल एरिया, अलग कलर से डिनोट कर देते हैं हम, दिस इज स्किन ऑफ एब्डोमिनल एरिया दिस इज एब्डोमिनल कैविटी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक लिवर किडनी, एब्डोमिनल कैविटी, हर एक जो कैविटी होती है उसकी एक सीरस मेम्ब्रेन होती है विच इज नॉन एज पेरिटोनियम विच इज
पेराइटल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम और यू कैन कॉल इट इज अ सीरस मैम्ब्रेन. क्लियर. और ये दिख रही है आपको आपकी मसल और ये दिख रहा है आपको ब्लड वेसल जिसके अंदर फ्लो कर रहा है यूरिया रिच ब्लड. यहाँ पे कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है बेटा, यूरिया रिच ब्लड है, बहुत ज़्यादा यूरिया कंटेंट है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम यूरीमिया. तो इस केस में क्योंकि दोनों किडनी फेल हो गई है और फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस बहुत ज़्यादा है, हर हफ्ते हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है, तो उस केस में डॉक्टर विद माइनर सर्जरी एक प्लास्टिक की ट्यूब इम्प्लांट कर देते हैं, प्लास्टिक की ट्यूब इम्प्लांट कर देते हैं विच इज़ नॉन एज कैथेटर. दिस इज प्लास्टिक ट्यूब इम्प्लांटेड, मतलब परमानेंटली इम्प्लांट कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू. और यहाँ पे नॉब लगा दी जाती है बेटा, दिस इज नॉब और यहाँ पे पंप के साथ इसको जोड़ा जाता है. तो दिस इज द प्लास्टिक ट्यूब जिसको कवर कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ नॉब एंड दिस इज कैथेटर. कैथेटर क्लियर, परमानेंटली इम्प्लांट कर दिया गया है. ध्यान से सुने क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से. यहाँ पे इस पेशेंट को इसको एक पंप से कनेक्ट किया जाता है और इस पंप, ये पंप है, ड्यूअल पंप होते हैं, इनलेट पंप एज वेल एज आउटलेट पंप. इस पंप को के अंदर डायलिसिड सॉल्यूशन डाला जाता है, डायलिसिड सॉल्यूशन डाला जाता है एंड द कंसंट्रेशन ऑफ डायलिसिड सॉल्यूशन डिपेंड ओवर डिग्री ऑफ किडनी डैमेज और डिग्री ऑफ रीनल फेलियर, कि कितना फेलियर हो गया है बेटा. तो यहाँ से क्या डाला जाता है, डायलिसिस तो आपने अभी तक समझा कि जो डायलिसिड सॉल्यूशन है इसको हमने विद द हेल्प ऑफ पंप इट इज फ्लश्ड अक्रॉस कैथेटर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. जो डायलिसिड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है अभी मैंने बताया, इट टोटली प्रिस्क्राइब्ड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑन द बेसिस ऑफ डैमेज टू किडनी ऑफ द पेशेंट. तो यहाँ पे जैसे एब्डोमिनल कैविटी में डायलिसिड सॉल्यूशन होता है, आप देखें यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है इनसाइड द ब्लड वेसल विच आर रिच इन यूरिया. तो ब्लड में से यूरिया डिफ्यूज होके कहाँ पे एंटर कर जाएगा बेटा, इट एंटर्ड अक्रॉस डायलिसिड सॉल्यूशन और डायलिसिड लिक्विड. क्लियर, अक्रॉस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस ही फिल्ट्रेशन होती है. दैट्स व्हाट इज नॉन एज कॉन्टिन्यूस एम्बुलेटरी, मतलब कॉन्टिन्यूस फिल्ट्रेशन चल रही है, सारा का सारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है आपकी बॉडी में. और यहाँ पे अक्रॉस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी और द पेल्विक कैविटी जहाँ पे कैथेटर इम्प्लांट किया गया है, जहाँ से डायलिसिड सॉल्यूशन डाला गया है, सारा का सारा यूरिया कलेक्ट हो जाएगा बेटा कहाँ पे, डायलिसिड सॉल्यूशन में. नाउ इन रिवर्स मैनर में यदि आप देखें कि नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज इनटू डायलिसिड लिक्विड अक्रॉस पेरिटोनियम ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन आफ्टर डायलिसिस अनदर पंप इज कनेक्टेड. यहाँ पे अनदर पंप कनेक्ट करेंगे जो किस मैनर में एक्ट करेगा, रिवर्स मैनर में. स्टार्टिंग में जब हमने डायलिसिड सॉल्यूशन डाला था तो फॉरवर्ड मैनर में पंप हो रहा था, अब बैकवर्ड मैनर में पंप होगा. तो ये यहाँ से सारा का सारा डायलिसिड को कलेक्ट कर लेगा, सारा का सारा डायलिसिड सॉल्यूशन कलेक्ट हो जाएगा बेटा, पाउच में कलेक्ट हो जाएगा. दिस डायलिसिड सॉल्यूशन रिच इन लिक्विड रिच इन यूरिया जो फर्दर क्या किया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, डिस्कार्डेड. इस सीएपीडी की बात करूं तो ये एक ऐसी डायलिसिस है बेटा, आप कह सकते हैं कि इनोवेटिव इन्वेंशन है किडनी पेशेंट के लिए, जिसमें वो आराम से चल फिर रहा है और उसकी डायलिसिस चल रही है. एंड अराउंड आप देखें कि आफ्टर डायलिसिस अनदर पंप इज कनेक्टेड विच एक्ट इन रिवर्स मैनर, एब्डोमिनल कैविटी इज एम्प्टीड विद इन 4 आवर्स. 4 आवर्स के अंदर कैविटी पूरी की पूरी ड्रेन कर ली जाती है. बट थोड़ा सा यदि मैं इसमें कहूँ कि देर इज़ नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, देर इज़ नो नीड ऑफ एडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल्स की नीड नहीं होती, सेल्फ डन कर लेते हैं, मतलब पेशेंट खुद ही अपनी डायलिसिस कर लेता है. बट यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रिकॉशनरी मेजर रखना होता है कि हाइजीन मेंटेन करेंगे, अदरवाइज इट इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, एब्डोमिनल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा. तो इसीलिए हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना होता है, प्रॉपर क्लीनिंग करनी होती है नॉब की. तो नाउ कम ओवर द कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल हीमोडायलिसिस एंड सीएपीडी.
तो ट्रेडिशनल हीमोडायलिसिस इज मोर इफेक्टिव, उसमें ज्यादा नाइट्रोजिनस वेस्ट या आप कहें कि एफिशिएंटली नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव किए जाते हैं, लेकिन वो कॉस्टली मेथड है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की नीड होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है और पेशेंट को बार बार एक इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। लेकिन जब किडनी परमानेंटली डैमेज हो गए हैं और प्रॉपर डोनर नहीं मिल पा रहा, तो उस केस में सर्जिकली एक पतला सा ट्यूब जिसको कैथेटर बोलते हैं इम्प्लांट कर दिया जाता है एब्डोमिनल एरिया में टू फिल्टर आउट ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ अगेन डिफ्यूजन। किसके क्रॉस डिफ्यूजन हो रहा है आपने देख लिया, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो CAPD इज नाउ अ डेज मोर प्रेफरेबल बाई किडनी पेशेंट और RF पेशेंट, रीनल फेलियर पेशेंट, बिकॉज इसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, पेन नहीं है, वो अपनी रूटीन वर्क कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल की नीड नहीं होता, बस टाइम टू टाइम उनको डायलेसेड सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेशन है उसको मैनेज करना होता है, या आप कहें कि मेडिकल प्रोफेशनल्स ही ये डायलेसेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम पढ़ेंगे परमानेंट मेथड ऑफ RF ट्रीटमेंट, दैट इज रीनल ट्रांसप्लांटेशन। थैंक यू सो मच।